हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बना रहे हैं फिरनी रेसिपी, बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसको अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाएंगे। इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने आधी कटोरी नए चावल ले लिए हैं। खीर या फिर खिचड़ी के लिए नए चावल बेस्ट रहते हैं। इसको 2-3 बार धुल के 5 मिनट के लिए भिगो देते हैं इन चावलों को। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, पानी निकाल दिया है। अब इसको ड्राई करेंगे पंखे के नीचे, किसी कपड़े पर इसको बिछा देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको ड्राई होने देंगे। इस फिरनी रेसिपी में ज़्यादा चावल नहीं लगता है, तो यहाँ पे हमने तकरीबन एक बड़ी मुट्ठी या आधी कटोरी चावल ले लिया है। चावल हमारे ड्राई हो गए हैं पंखे के नीचे, और ये देखिए अब इसको पीस लेंगे। इसको सूजी जितना बारीक पाउडर बनाना है चावल का। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बहुत ही पाउडर नहीं कर देना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। इसको सूजी जितना बारीक आपको कर लेना है। एक तरफ हम दूध चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारा 3 पाव दूध ले लिया है, और इसको खोलने देते हैं। पाँच मिनट के लिए खौला लेंगे ताकि थोड़ा दूध थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। खौलाने के बाद इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए जो चावल हमने पीसे थे, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसको एक साथ बिल्कुल न डालें, अन्यथा इसमें लम्स या गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक हाथ से चलाते रहें। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। थोड़े से ठंडे दूध में चावल जो कप पाउडर बनाया है उसको घोल लेंगे और फिर उसको डाल देंगे। उससे क्या है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अब इन चावलों को हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक कि ये बढ़िया से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये चावल भी पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम को करते हैं मीडियम से लो और इसमें डालेंगे शक्कर। जितनी चावल था उतना ही शक्कर लिया है, थोड़े से उससे ज़्यादा, तकरीबन 80 ग्राम के करीब शक्कर है। अब इसको भी चला देते हैं और 1-2 मिनट के लिए और पकाते हैं। कि 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में, 1 चम्मच घी में थोड़ा सौते करेंगे। हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं, आप कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। खीर को हमने बहुत ही लो फ्लेम पे रखा हुआ है। बादाम भी सौते हो गया है, इसमें खुद के तेल होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में सौते हो जाते हैं। और बादाम डाल लेंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। घी में सौते किए हुए ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है।
इसको भी मिक्स कर देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। खीर आपकी अभी तैयार नहीं है, इसमें अभी फाइनल टच बाकी है। और इसको फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगला स्टेप है हमारा कैरमल सॉस तैयार करना। अब हमने 2 चम्मच चीनी ले ली है और 1 चम्मच पानी लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं लेना है आपको, सिर्फ 1 ही चम्मच लेना है। और चीनी को मेल्ट होने देते हैं, इसका एक सॉस तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, जब कुछ इस तरीके से एक पिघल जाएगी, इस कलर में आ जाएगा, इस आपका कैरमल सॉस तैयार है। खीर को आप पहले से कटोरी में निकाल के रखें और इस कैरमल सॉस को ज़्यादा देर रखेंगे तो ये कड़क हो जाता है। तो जैसे ही कलर आ जाए कैरमल सॉस में, तुरंत ही इसको गार्निश करेंगे। कि 10 सेकंड से ऊपर रखने पर ये क्या हार्ड होने लगता है। देखिए, इस तरीके से गार्निश कर दिया है। इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस फिरनी खीर में। और ये जब ठंडा होगा तो ये इसकी एक चिक्की बन जाएगी, जो कि खाने में बहुत क्रंचीनेस आएगा, कुरकुरानेस आएगा, कुरकुरापन आएगा। और ये देखिए, हमने बादाम भी इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से गार्निश कर दिए हैं। ये ट्रेडिशनली ये शकोरे मिट्टी के प्यालियों में सर्व किया जाता है। हमने यहाँ पे कांच का बॉल लिया है। ये देखिए, चिक्की बन चुकी है। ये खाने में काफ़ी कुरकुरी सी आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।